हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर ठाकुर, मेरा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसा चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके जो तो सबके घर में है, लेकिन उस चीज़ के बारे में जानते थे कि ये पकता कैसे, ये बनता कैसे है। आज हम लोग ईटा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो नॉर्मल ईटा देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल मिट्टी है, इसको पकाया जाता है। पकने के बाद तब ये पूरा का पूरा ईटा बनता है। आज हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ईटा पहले बनता कैसे है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं जो ईटा बनता है, वो जो नॉर्मल मिट्टी से ईटा जो बनाया जाता है वो बनता कैसे है, वो बात करने वाले हैं। पहले देखना है कि कादा जो ईटा बनता है उसको कादा किया जाता है, उसका जो मिट्टी होता है उसको कादा किया जाता है, उसमें पानी मिला के उसको मिक्सर किया जाता है, उसके बाद तब ईटा बनकर तैयार होता है। तो उसको कादा को ढांचे में डाला जाता है, उसके बाद तब ईटा अपने साइज़ में आते हैं। देखते हैं, जो आप जो देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में ये मशीन, ये पूरा का पूरा मिट्टी को कादा किया जाता है। आगे देखिए इसके ऊपर में करके देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इनके ऊपर में चढ़ के कि ये कादा कैसे करते हैं, इनके ऊपर में चढ़ा जाए। देखते हैं भाई, बड़ा डेंजर है, देख रहे हैं भाई। ये जो है ये कादा करने वाला ये है क्या? आपका नाम क्या है भाई? सोनेलाल कुमार ना। तो ये जो मशीन है ये, इसमें कादा किया जाता है। ईटा जो बनता है तो पहले मिट्टी को नॉर्मल कादा किया जाता है, उसके बाद तब ईटा बनता है। तो देखो कैसे पूरा का पूरा, अब इसको देख सकते हो बिल्कुल एकदम बारीकी से। ये ऐसा मशीन, इसमें कुछ भी डालेंगे तो वो पीस जाएगा, बराबर हो जाएगा, कुछ भी डालने से पीसा चल जाएगा ना। तो इसमें नॉर्मल मिट्टी को कादा किया जाता है, उसके बाद तब उसको बाहर निकाला जाता है। अब जो हम लोग देखे कि मशीन जो कादा किया, मिट्टी को पूरा कादा के रूप में लाया, वो कादे के रूप में लाने के बाद उसे मिट्टी गिरा देते हैं, फिर ईटा के रूप में ढांचा बनाया जाता है। तो देखते हैं कि वो कैसे आता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये मशीन से कादा करने के बाद, कादा बनने के बाद इसको ऐसे ढक के रखा जाता है ताकि ये फिर इसमें पानी का मात्रा ना आए और ये नॉर्मल रहे, ठीक है। तो अब देखिए ये ईटा जो बन रहा है, देखिए ईटा का ढांचा देखिए। हाँ भैया, आपका नाम क्या है भाई? रमेश। हाँ, ये रमेश भैया है। ईटा का जो ढांचा होता है वो ढांचा बना रहे हैं, नॉर्मल जो ईटा बनता है। ये कौन कंपनी का ईटा है? सोना। हाँ सोना, ये आजमनगर प्रखंड के बुदलमणि गांव में है, ये सोना ईटा का भट्टा है, ठीक है। देखो भैया, जो कादा को कैसे किया जाता है, नॉर्मली मिलाया जाता है, इसमें बालू वालू कांस भी मिलाया जाता है, उसके बाद तब इसमें डाल के उसके साइज़ में किया जाता है। बार बार साइज़ में मारने के बाद तब ये ईटा एक साइज़ में आने के बाद तब उसको फिर डाला जाता है। ये ईटा का शुरुआती रूप है, जो ईटा अपने रूप में आता है ये इनका शुरुआती रूप है। फिर इनको चिमनी में डाला जाएगा, तो मैं आप लोगों को चिमनी का भी बताऊंगा कि उसमें डाला कैसे जाता है, उसमें कितना देर तक उसको पकाया जाता है, कितना देर उसको रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो देखिए पूरा का पूरा अच्छा से एकदम। ये एक ऐसा चीज़ है जिसका ज़रूरत सबको होती है, सबके घर में ये कुछ ना कुछ इसका ज़रूरत होता है, सबको होते रहता है। तो ये क्योंकि ईटा का ज़रूरत लगभग मैक्सिमम सबके घर में है ईटा का ज़रूरत। तो देखिए कैसे ईटा अपना साइज में आ रहा है, इसमें बहुत मेहनत है भाई। हम लोग सोच रहे हैं कि नॉर्मल बनता है, लेकिन ये हमारे एक जान पहचान आदमी है। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, शिवनाथ राय। ये भी यहीं पे काम करते हैं यहाँ पे, अभी इनका शायद छुट्टी हो गया है। तो देखिए ईटा का जो ढांचा है, ढांचा में लाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल सा एक ईटा है, लेकिन इसको बनाने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये अपने आकार में आएंगे, ये सोना प्लस कंपनी का ईटा है। ये दो तीन जगह में ये सोना प्लस कंपनी का ईटा का भट्टा चिमनी चलता है, जिसको हम लोग भट्टा कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस, ये आजमगढ़ प्रखंड का बुदलमणि गांव में ये ईटा का कंपनी है, ठीक है। अब ये नॉर्मल रहा ईटा, नॉर्मल जो भी बनकर तैयार हो रही है, अब इसको चिमनी में डाला जाएगा, उसको पकाया जाएगा। चिमनी में डालने के बाद कैसे पकाया जाता है, ये सारा का सारा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आपको चिमनी की तरफ लेके चलते हैं। चिमनी ये रहा, अब ये वहाँ पे जो देख रहे हो आप कोयले की कुछ, तो वहाँ पे इसको पकाया जाएगा। वहाँ के भी दोस्तों से, भाइयों से जाके बात करते हैं। ये जितना भी नज़र आ रहा है सारे के सारे पके हुए ईटे हैं, वो बाहर निकाला गया। कितना देर ईटा को पकने में लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना क्या लगता है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे कैमरामैन भाई है, हाई कर दीजिए भैया कैमरामैन।
हाँ हेलो दोस्तों, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो जो ईटा अंदर में जो पकता है, ईटा बनना बनता हुआ तो आप लोग देख लिए कि ईटा बनता कैसे, लेकिन अब जो ईटा अंदर में पकता है, जो पूरा ईटा लाल होता है वो तो नॉर्मल मिट्टी का होता है ईटा, लेकिन उसको पूरा पकाया जाता है उसके बाद बनता है। जो ईटा जो पकता है कैसे बनता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी तो एक भैया है जो ईटा पकाते हैं, उससे बात करते हैं। हाँ भैया बोलिए, आपका नाम क्या है भैया? रजनी। हाँ रजनी, तो हाँ भैया आप ये बताइए कि एक ईटा को पकने में नॉर्मल कितना टाइम लग जाता है? हाँ पूरा चेंबर जो पकता है, पूरा चेंबर में जो ईटा होता है उसको पकने में कितना टाइम लग जाता है? 72 घंटा लगता है पूरा चेंबर पकाने। पूरा चेंबर पकाने में 72 घंटा लगता है ना? हाँ, तो 72 घंटा का लगभग मैक्सिमम टाइम होता है, वो जो अधिक से अधिक जो टाइम होता है 72 घंटा पक जाता है पूरा ईटा ना। तो पकने के दरमियान इसमें कंटिन्यू रहना पड़ता है, 72 घंटा लेबर को कंटिन्यू काम करता रहना पड़ता है ना। अच्छा, तो अब आगे एक चैम्बर खोल के दिखाइए भैया कि इसमें ये जो ईटा बनता है ना, तो ये चैम्बर बाय चैम्बर होता है, इसमें जो भी होता है पूरा चैम्बर बाय चैम्बर होता है, इसमें जो भी चीज़ होता है पूरा का पूरा चैम्बर होता है दोस्तों, पूरा घर जैसा होता है। मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखाने वाला हूँ, देखो देखो अंदर में पूरा जो ये है, ये ईटा का ये पूरा चैम्बर है जिसमें इतनी हीट होती है, इतनी तपन होती है कि अच्छे से अच्छे लोहा को ये पिघला सकता है, ठीक है। तो ये रजनी भैया से भी हम लोग जानकारी ले रहे थे कि ये ईटा पकता कैसा, इसमें कोयला कंटिन्यू कितना डालना पड़ता है, कितने कितने मिनट के अंतराल में कोयला डालते रहना पड़ता है? 10 से 15 मिनट के अंतराल में कोयला डालते रहना पड़ता है ना। तो ये कोयला कंटिन्यू जलते रहता है 72 घंटा तक ना। तो दोस्तों आपने देखा कि कोयला डालते हैं उसके बाद ईटा बनता है, ऐसे ही बहुत सारे हैं जो ये चैम्बर जो बना हुआ है देख रहे हैं, बहुत सारे चैम्बर है। लगभग एक बार में कितने ईटा पकते हैं? एक बार में कितने ईटा कितने ईटा पक जाते हैं? 9-10 हज़ार एक बार में पकते हैं ना, 9-10 हज़ार ईटा एक बार में पक जाता है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा चैम्बर है। एक चैम्बर और खोल के दिखाइएगा भैया, दिखाइएगा अच्छा से। हाँ देखते हैं भैया चैम्बर खोल के दिखाने वाले हैं। हाँ देखो दोस्तों, ये इसके अंदर इतनी गर्मी होती है कि ये किसी भी चीज़ को ये चंद मिनटों में ही पिघला के ख़त्म कर सकता है। ये चैम्बर का चैम्बर ऐसे ही चैम्बर होते हैं पूरा, इसमें कोयला डाला जाता है और सारे के सारे चैम्बर में कोयला डाला जाता है। ये जो है ये कोयला का टोकरी है, इसमें कोयला रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो आप लोग देख रहे हैं चिमनी दोस्तों, ये पूरे के पूरे अंदर में जो ईटा पकता है, ये ईटा पकने के बाद जो ये धुआं निकलता है, कोयला का धुआं, ये इधर से निकलता है, ये चिमनी से निकलता है, ठीक है। ये धुआं पूरा का पूरा छना हुआ धुआं निकलता है, ऐसा नहीं कि पूरा प्रदूषण है इसमें, मैक्सिमम प्रदूषण इससे छट जाता है और ये लास्ट में कुछ धुएं जो नॉर्मल निकलता है वो बाद में निकलता है। ये है पूरा कोयला, इस कोयला को बुरादा किया जाता है, पहले तोड़ा जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा बुरादा कोयला जाता है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा बुरादा कोयला है, इसको तोड़ा जाता है। ये गोटे कोयले के गोटे के रूप में आते हैं, पूरा पत्थर के रूप में आते हैं, इसको तोड़ के बुरादा किया जाता है, तब उसको डाला जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना एकड़ में फैला हुआ है, पूरा का पूरा करीब 6-7 बीघा को लेके ये ईटा का जो चिमनी का जो होता है, लगभग 10 बीघा को लेके ये फैला हुआ रहता है, पूरा का पूरा लगभग मैक्सिमम 10 बीघा को लेके ये बैठा है। इस पर करीब 3-4 हज़ार मजदूर काम करते हैं पड्डे का पड्डे, इससे बहुत लोगों का घर का रोजी रोटी चलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लिए दोस्तों कि ईटा कैसे बनाया जाता है, ईटा का प्रोसेस क्या है, कहाँ से ये शुरू होती है, कहाँ से ये ख़त्म होती है, कितना देर ईटा को रखा जाता है, इसमें भाई बहुत ज़्यादा मेहनत है। हम लोग सोचते हैं ना कि ईटा बनाने में कोई मेहनत नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसको कैसे बनाया जाता है। लोगों का काम है सिर्फ घर में रहना, क्या बात सही है ना? बात सही है, लोगों का काम है सिर्फ घर में रहना, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है ये वही जानता है जो इस पर काम करता है। ये भी भाई हमारे एक मजदूर है, ये भी यहाँ पर काम करते हैं और इनको पूरा का पूरा प्रोसेस मालूम है कि कैसे बनता है ईटा, कैसे क्या जाता है, कितना देर चिमनी के अंदर ईटा को रखा जाता है, कितना देर क्या जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसमें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा ये नया चैनल है आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।